ये है दोस्तों बोट की तरफ से आने वाली लेटेस्ट स्मार्ट वॉच वेव कनेक्ट के नाम से, और यहाँ पे एक अच्छे प्राइस के ऊपर काफ़ी सारे फीचर्स इन्होंने इस स्मार्ट वॉच के अंदर डाल दिए हैं। अब तक मैंने जितनी भी स्मार्ट वॉचेस टेस्ट की हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा फीचर्स मुझे इसी के अंदर देखने को मिले बोट की तरफ से। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वेव कनेक्ट स्मार्ट वॉच के बारे में, करेंगे इसको अनबॉक्स, जानेंगे इसके सभी फीचर्स के बारे में और क्या आपको कंसीडर करनी चाहिए कि नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर, जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कोई प्रीमियम सेगमेंट की स्मार्ट वॉच नहीं है, आपको एक अच्छे प्राइस के ऊपर मार्केट में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे डिज़ाइन कैसा दिया गया है और क्या है इसके फीचर्स। पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, जानते हैं यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है इसके अंदर। बॉक्स के ऊपर दोस्तों आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पे शायद मेरे पास यही कलर आया है, इसके कुछ और कलर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जो कि आप जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। बैक साइड में इसके फीचर्स की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं जल्दी से, उसके बाद देखते हैं कि कैसा इसका डिज़ाइन। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले ऑब्वियसली आपको स्मार्ट वॉच रखी हुई मिल जाती है, इसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले जान लेते हैं कि कुछ और क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा इसके अंदर आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल दी गई है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। और यहाँ पर आप इसके साथ में अपनी स्मार्ट वॉच को जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे भर भर के डॉक्यूमेंटेशन दी गई है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इसके साथ में। यहाँ पे वारंटी कार्ड है, इसकी यूज़र मैनुअल है, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है फीचर्स के बारे में। साथ में दोस्तों यहाँ पे बोट के अलग अलग प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब बाकी चीज़ों को रखते हैं साइड में, आते हैं हमारी स्मार्ट वॉच पे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, काफ़ी अच्छा एक कलर ऑप्शन यहाँ पे मुझे लगा, ये गोल्ड कलर के साथ में इसका जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया गया है, मुझे काफ़ी अच्छा कलर ऑप्शन लगा दोस्तों। ये काफ़ी इसको एक अट्रैक्टिव लुक देता है, ये कलर मुझे खास तौर पर काफ़ी पसंद आया है इस स्मार्ट वॉच में। अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो क्वालिटी वाइज आप यहाँ पे सेटिस्फाइड डेफिनेटली हो जाएंगे, हाथ में लेते ही आपको पता लगता है कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है दोस्तों। तो क्वालिटी में यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब जल्दी से इसको ऑन कर लेता हूँ, अपने स्मार्टफोन के साथ में कर लेता हूँ कनेक्ट, उसके बाद इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करके बात करता हूँ आपसे कि क्या क्या मुझे यहाँ पे देखने को मिला। 2 hours later तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोट वेव नाम की एक नई ऐप है जो कि आप इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बोट की कई सारी ऐप्स हो गई हैं एक्चुअली, बोट क्रेस्ट, बोट हब, बोट वेव, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक या दो ही ऐप रखनी चाहिए सभी स्मार्ट वॉचेज़ को कनेक्ट करने के लिए। खैर छोड़ते हैं, यहाँ पे नई ऐप के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है, बोट वेव। आप अपने स्मार्टफोन के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहनने के बाद कुछ इस तरह की दिखती है, दिखने में अच्छी है डेफिनेटली स्मार्ट वॉच। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके कंफर्ट की तो मुझे कंफर्टेबल लग रही है। इनफैक्ट इसका जो स्ट्रैप है थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉफ्ट आपको फील होगा, ये काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेचेबल भी है ये, और काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो सबसे मेन हाईलाइट जो इसकी वो है यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, बोट की शायद ये दूसरी स्मार्ट वॉच है, इससे पहले प्रीमियर टेस्ट की थी हमने, उसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिलती थी। अब इसके अंदर भी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिलती है, यानी कि इनबिल्ट माइक है इसके अंदर, इनबिल्ट स्पीकर है। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको एक बार आवाज़ भी टेस्ट करवा देता हूँ इसके स्पीकर की, आवाज़ कितनी है यहाँ पे जब आप कॉलिंग वगैरह लेंगे तो। तो यहाँ पे कुछ रिंगटोन्स वगैरह दी गई हैं इसके अंदर, तो उसके साथ में एक बार टेस्ट करवा देता हूँ आपको कि कितनी आवाज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। लाउडनेस अच्छी खासी दी गई है यहाँ पे, आप इजीली कहीं पे भी बैठे हों, कहीं पे भी हों, आप किसी भी इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी मुझे डेफिनेटली अच्छी लगी इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर इनबिल्ट डायल दिया गया है, यानी नंबर वगैरह डायल कर सकते हैं इसके साथ में, और 20 contacts को आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं अपने फेवरेट, जो इनकी ऐप में जाके आप कर सकते हैं। तो अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अपनी स्मार्ट वॉच से ही। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको इनबिल्ट एलेक्सा का भी फीचर दिया गया है, यानी कि एलेक्सा इनेबल्ड है ये। अगर आप यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो एलेक्सा को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ये यहाँ पे आपको आवाज़ भी सुनाई देगी और यहाँ पे टेक्स्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो एलेक्सा का फीचर इसके अंदर इनबिल्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे 1.69 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर एमोलेड तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी इसके अंदर, LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, लेकिन अच्छी खासी ब्राइट डिस्प्ले यहाँ पे दी गई है। इनफैक्ट मैंने आउटडोर भी इसको टेस्ट करके देखा है, वहाँ पे भी विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती।
इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मेन फीचर्स की जो कि किसी स्मार्ट वॉच में आपको चाहिए, तो यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, इसके अलावा SPO2 ट्रैकिंग की हम बात करें, या फिर यहाँ पे ऑटो डिटेक्शन आपके वर्कआउट्स के लिए, वो भी आपको मिलते हैं वॉकिंग रनिंग वगैरह के लिए। आपको यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है इसके अंदर। इनफैक्ट यहाँ पे मेरे ख्याल से बोट की तरफ से पहली स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर आपको 60 से ज़्यादा वर्कआउट मोड देखने को मिलते हैं। अभी तक यहाँ पे काफ़ी कम ही वर्कआउट मोड्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब बोट इम्प्रूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 60 से ज़्यादा वर्कआउट मोड मिलते हैं इसके अंदर, जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर इसके वॉच फेसेस की बात करते हैं, तो इनकी ऐप के अंदर जाके आपको 100 से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपनी पसंद का वॉच फेस यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में। इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर इसके अंदर दिया गया है, जो कि है एम्बियंट साउंड को डिटेक्ट करने के लिए, यानी आपके आसपास के साउंड को डिटेक्ट करके बताएगा कि नॉइस लेवल कितना है। आप सबको बताया कि ज़्यादा नॉइस से स्ट्रेस वगैरह बढ़ती है, तो यहाँ पे आप इसके साथ में चेक कर सकते हैं कि कितना नॉइस लेवल है आपके आसपास। अब आते हैं इसकी यहाँ पे बैटरी बैकअप पे। तो कंपनियाँ क्लेम है 1 हफ्ते के आसपास आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ वॉइस कॉलिंग को यूज़ करेंगे तो 2 दिन के आसपास का आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन आप सबको पता है जिस तरह से आप अपनी स्मार्ट वॉच को यूज़ करते हैं उसके हिसाब से बैटरी बैकअप मिलता है। ज़्यादा नोटिफिकेशन आएंगे, ज़्यादा हाई लेवल ब्राइटनेस होगी, ज़्यादा यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो कम बैटरी बैकअप मिलेगा। यहाँ पे जितना लिमिटेड यूज़ होगा उतनी ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप आउटडोर इसको यूज़ करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पानी वगैरह से, डस्ट वगैरह से। IP68 रेटिंग के साथ में ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। साथ में दोस्तों यहाँ पे इनकी इनबिल्ट ऐप के अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलबींग के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हाइड्रेशन अलर्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह कंट्रोल करना चाहते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे लगभग हर यहाँ पे ऐप की नोटिफिकेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग यूट्यूब वगैरह भी। अगर आप किसी और ऐप को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल फिट या फिर जो एप्पल हेल्थ है, उनके साथ में भी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो कंपैटिबिलिटी भी आपको यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस की, किस तरह का यूज़र इंटरफेस है, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी होम स्क्रीन है। अगर आप इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे वॉच फेसेस को आप इसमें सेव करके रख सकते हैं अपनी ऐप से भी, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ईजी रहेगा। इसके अलावा अगर आप होम स्क्रीन से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगी आपको, जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इसको क्लिक करके, जो भी नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस को, काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट अगर आप होम स्क्रीन से स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे टॉर्च का भी फीचर आपको देखने को मिलता है, तो अंधेरे में ये काम आ सकती है थोड़े बहुत आपके लिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो आपका एक्टिविटी डेटा आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि कितने स्टेप्स चले हैं, कितनी कैलोरीज वगैरह बर्न की हैं। इसके बाद हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह आप डिटेक्ट करना चाहें तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये जो बटन है इसको प्रेस करके सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप हेल्थ डेटा चेक कर सकते हैं, ये देखिए काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आप अलग अलग तरह का डेटा यहाँ पे ईजिली चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी, तो यहाँ पे लगभग हर तरह की एक्टिविटी को आपको ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स गेम भी हैं और एक्टिविटीज़ भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अलेक्सा, तो यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट अलेक्सा दिया गया है, तो यहाँ पे ये समझ सकती है। फॉर एग्जांपल शो मी द वेदर, इन हिसार हरियाणा इट्स 43 डिग्री सेल्सियस विद सन एंड हेज, यू कैन एक्सपेक्ट मोर ऑफ द सेम टुडे विद अ हाई ऑफ 44। तो इस तरह से दोस्तों आप टेम्परेचर वगैरह चेक कर सकते हैं या फिर और कमांड दे सकते हैं इसको अलार्म सेट करने के लिए या फिर टाइमर वगैरह लगाने के लिए, तो ये ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायल कर सकते हैं कोई नंबर और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं आपके स्मार्टफोन से ब्लूटूथ कॉल, और यहाँ पे फेवरेट सेट कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो रिकॉर्ड करेंगे आप वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, इसके अलावा स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ब्रेथ ट्रेनिंग अगर आपको करनी है तो वो भी ऑप्शन है, स्लीप ट्रैकिंग, वेदर अगर आपको चेक करना है, म्यूज़िक के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे विद वॉल्यूम। इसके अलावा क्लॉक यहाँ पे आपको दी गई है जिसके अंदर अलार्म है, स्टॉपवॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एम्बियंट साउंड का ऑप्शन है दोस्तों, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे
तो ये बताएगा कि साउंड का नॉइज़ का लेवल कितना है आपके आसपास के एनवायरनमेंट में। ये देखिए जिस तरह से मैं ज़्यादा अगर आवाज़ तेज़ करूँगा तो ये तेज़ हो जाएगा, अगर आवाज़ कम करूँगा तो ये कम हो जाएगा। ये देखिए जब मैंने आवाज़ बंद कर दी तो इसका नॉइज़ लेवल भी कम हो गया है। तो इस तरह से आपके आसपास के साउंड को ये डिटेक्ट कर सकता है और यहाँ पे आपके नॉइज़ का लेवल बता सकता है। इसके बाद फ्लैशलाइट, फाइंड फोन वगैरह के फीचर हैं। इसके बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कई सारी सेटिंग्स देखने को मिलेगी। DND वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे रिंगटोन की सेटिंग्स कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। मैसेज की और रिंगटोन की वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं और साइलेंट पे लगा सकते हैं। वॉच फेसेस, ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करनी है अगर आपको, ये तो मैंने काफ़ी कम कर रखी है, यहाँ पे 3, 4, 5 लेवल्स तक जाती है, तो मेरा काम तो अभी 2-3 नंबर से ही चल जाएगा। ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यही थी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वॉच के बारे में। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो आपको मार्केट में 2500 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस ऑफर्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 2500 के आसपास आप इसको ले सकते हैं इजीली। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वॉच कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।